काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस सुहासी धामी लखनऊ में है, उनका एक नया शो आ रहा है आपके आ जाने से। पहले तो सुहासी हम कहना चाहेंगे आपके आ जाने से लखनऊ मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुरा। थैंक यू थैंक यू। चलिए, आपका शो आ रहा है आपके आ जाने से, क्या नया कॉन्सेप्ट है? क्योंकि काफ़ी सारे तो हमने आपके रोल्स देखे हुए हैं, तो इसमें क्या नया लेकर आ रही हैं और इसमें आपका क्या किरदार है? मेरा किरदार है वेदिका, नाम है मेरे किरदार का, और मैं 42 इयर्स की हूँ, और जो हीरो है उसका नाम साहिल है, वो 24 साल का है। तो हम दिखा रहे हैं कि जो नामुमकिन तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम होता है देखने में या सुनने में, थोड़ा कम आता है कि 42 ईयर की लड़की 24 ईयर के लड़के से प्यार कर बैठती है, तो ये थोड़ा सा अलग है। एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा अलग है कि 42 ईयर्स की लड़की और 24 का लड़का, तो ये एक तरीके की लव स्टोरी दिखाई जाएगी? हाँ जी, ये प्योर लव स्टोरी ही है, क्योंकि इसमें और कोई एंगल हो ही नहीं सकता। अगर प्यार इतना स्ट्रांग हो तो ही ये पॉसिबल है कि इतने उम्र के डिफरेंस में लोग शादी या जो भी आगे बढ़ सके। अच्छा सुहासी, काफ़ी सारे हम किरदार देख रहे हैं टीवी पे, काफ़ी सारे शोज ऐसे आ रहे हैं, स्टार प्लस पे आ रहे हैं, कलर्स पे आ रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े छोटे का, कुछ लोग पसंद कर रहे हैं कुछ ना पसंद, वैसे क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है आपके शो को उतना प्यार मिलेगा या इस पर भी कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी लोग खड़ी ही कर देंगे? हम जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे लगता तो नहीं कि कॉन्ट्रोवर्सी, क्योंकि लड़का भी 24 साल का, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है लड़का, प्यार करने की उम्र में है, पर वो प्यार किसी बड़ी लड़की से कर बैठता है, तो कॉन्ट्रोवर्सी की मैं इच्छा तो नहीं रखूँगी कि ऐसा कुछ हो। और वैसे देखें तो ऐसे शोज़ आते हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं और बाद में भी आएंगे। एग्जीक्यूशन है, कैसे आप उस प्यार को कैसे दिखाते हो, किस तरह, कितनी ब्यूटीफुली उसे प्रेजेंट करते हो, वो मैटर करता है। क्योंकि स्टोरीज़ तो हम इतने साल से टीवी चल रहा है, नई नई स्टोरीज़ तो बार बार नहीं लेके आ सकते, वही एक लाइन लेके चलते हैं, उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, 2014 में आपका शो आया था महादेव, उसके बाद 2017 में अब आप एक नया शो, तो ये जो गैप था तब कहाँ थी और क्या, मतलब कुछ ऐसा कुछ नया सोच रही थी आप कि मतलब कुछ अलग, किस चीज़ की इंतज़ार था आपको कि आपने इतना गैप ले लिया? सोच रही हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, लोग ने ऐसे ट्रैक करके रखा है कि इतने 3 साल आप कहाँ थी, कहाँ थी। मेरे 2.5 साल का बेटा है जिसका नाम है कबीर, तो जब मैंने महादेव छोड़ा तब आई वॉज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट, छोड़ा नहीं, जब ख़त्म हुआ तब आई वॉज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट, और ये जो सफ़र रहा 3-3.5 साल का, वो बहुत खूबसूरत था। मतलब थैंकफुली जब से मैंने ज्वाइन किया है एक्टिंग और जब से मैंने किया, तब से ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, और मुझे लगा था कि मैं इतना काम करने के बाद घर पे कैसे रहूँगी, लेकिन इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू हैव अ बेबी। एग्जैक्टली, और हम भी बहुत खुश हैं कि आपने फिर से टीवी पे वापसी की है, आपने फिल्म भी की है तेलुगु अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, बॉलीवुड में आने का कोई प्लान? देखिए, कोई अच्छा रोल आता है तो आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू डू, बट अब तक ऐसा कुछ आया नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है टीवी इज़ माय मीडियम, मैं टीवी पर काम करना चाहूँगी। मतलब अगर आ भी जाए बॉलीवुड का कुछ ऐसा कुछ जो करने का बहुत मन करे, तो वो करके वापस तो आना ही है। टीवी को ज़्यादा प्रेफरेंस? हाँ, टीवी ने ही मुझे दिया है जो मुझे अब तक मिला है, और हैप्पी न्यू ईयर, और होप आपका ये साल बहुत अच्छा गया और आगे के साल भी बहुत अच्छे जाएंगे। आपने शो के लिए कह दीजिए आपका शो कब आ रहा है, कितने बजे से ऑन एयर होगा? आपके आ जाने से आ रहा है 15 जनवरी से, एक नए अप्रोच के साथ, एक नए साल में 10:30 बजे रात को। प्लीज़ एक बार, कॉन्सेप्ट अलग है, एक बार कोशिश करिएगा देखने की। थैंक यू। जी हाँ, तो ये थी सुहासी धामी, इनका शो आ रहा है आपके आ जाने से 15 जनवरी से, लेकिन कितना ज़्यादा लोगों को ये पसंद आएगा ये तो टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इस्लाम के साथ आयुषी डेस्क फॉर लाइव टुडे लखनऊ।